इस लेसन में हम पढ़ेंगे पी डी एंड रेवेन्यू के बारे में पहले ये देख लेते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है रेवेन्यू इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ बिज़नेस इनकम बिजनेस कमाता कैसे है कमोडिटीज़ को बेच के तो प्राइस जिस पे वो बेच रहा है अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर दें बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड द क्वान्टिटी डिमांडेड तो उससे हमें रेवेन्यू मिल जाता है एक डिमांड डाइग्राम में रेवेन्यू कहाँ दिखता है तो अगर हम डिमांड डाइग्राम को देखें इस पर एक पॉइंट लेते हैं ए जिसकी कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइस है पी नॉट और कॉरिस्पॉन्डिंग क्वान्टिटी है क्यू नॉट हमें पता है कि रेवेन्यू का फॉर्मूला हो गया प्राइस टाइम्स क्वान्टिटी तो वो इस केस में अगर हम गौर करें तो इस रेक्टेंगल का लेंथ इन ब्रेथ बन रहा है तो जो एरिया है ऑफ द रेक्टेंगल ओ पी नॉट ए क्यू नॉट ये एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेवेन्यू एट प्राइस पी नॉट पी डी के चेंज होने की वजह से रेवेन्यू चेंज कैसे होता है अब हमें यह देखना है पी अगर ज़्यादा हो मतलब कि पी डी वैल्यू इलास्टिक है ग्रेटर देन वन है तो डिमांड डायग्राम हमें पता है कि इस तरीके से बनेगी जहाँ पे डिमांड डायग्राम में जो डिमांड कर्व होगा वो काफ़ी फ्लैट होगा इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं ए इसके कॉरिस्पॉन्डिंग प्राइस है पी नॉट क्वान्टिटी है क्यू नॉट हमें दिख रहा है कि जो टोटल रेवेन्यू है इस वक्त वो ओ पी नाट ए क्यू नॉट है अगर मैंने प्राइस थोड़ी सी बढ़ाई प्राइस बढ़ गई पी नाट से पी वन तो क्वांटिटी हमें पता है कि काफ़ी ज्यादा से गिरेगी क्यों क्योंकि ये इलास्टिक डिमांड कर्व है तो P1 प्राइस हो गई क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो Q1 हो गई क्वांटिटी डिमांडेड हेज डिक्रीज फ्रॉम Q0 टू Q1 इस वक्त जो पॉइंट है उसको हम B ले लेते हैं रेवेन्यू के साथ क्या हुआ है अगर हम गौर करें जो नया रेवेन्यू के रेक्टेंगल बन रहा है ओ पी वन बी क्यू वन ये रेक्टेंगल का जो एरिया है पिछले रेक्टेंगल के एरिया से काफी कम है मतलब कि द टोटल रेवेन्यू हैज एक्चुअली डिक्रीज प्राइस के बढ़ने की वजह से द रेवेन्यू डिक्रीज एंड दिस विल ऑलवेज बी द केस इन केस ऑफ इलास्टिक डिमांड कर्व ऐसा क्यों होता है इलास्टिक डिमांड कर्व में जब भी हम प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी का फॉल का काफ़ी ज़्यादा होगा तो ओवरऑल जो रेवेन्यू में चेंज आएगा वो डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा मतलब कि जब भी एक इलास्टिक डिमांड कर्व में एक इलास्टिक एक कमोडिटी जिसकी इलास्टिक डिमांड है उस वक्त प्राइस कम होगी तो क्वान्टी डिमांडेड में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आएगा इस वजह से रेवेन्यू बढ़ रहा होगा सो फॉर इलास्टिक डिमांड वी नो दैट इफ देर इज एन इंक्रीज इन प्राइस द टोटल रेवेन्यू विल डिक्रीज एंड इफ दे इज अ डिक्रीज इन प्राइस द टोटल रेवेन्यू इज बाउंड टू इंक्रीज सिमिलरली अगर हम एक इन इलास्टिक डिमांड क्रव को देखें तो उसमें क्या होगा इन इलास्टिक डिमांड क्रव हमें याद होना चाहिए यहाँ पे पी ई डी की वैल्यू लेस देन दे वन है डिमांड क्रव जो है वो काफ़ी स्टीप है इसमें एक पॉइंट ले लेते ले हैं ए जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वो पी नॉट है और कॉरस्पॉन्डिंग क्वान्टिटी इज़ क्यू नॉट इनिशियल रेवेन्यू जो है वो हमारे इस रेक्टेंगल से शो रहा है जो कि ओ पी नॉट ए क्यू नॉट है इस वक्त हम क्या करते हैं प्राइस को कम करते हैं प्राइस कम होने से लॉ ऑफ डिमांड बताता है क्वांटिटी डिमांड बढ़नी चाहिए लेकिन क्योंकि ये इन इलास्टिक डिमांड तो क्वांटिटी में कोई खास इंक्रीज़ नहीं आएगा हमने प्राइस को कम किया पी नॉट से पी वन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज फ्रॉम क्यू नॉट टू क्यू वन और हमें दिख रहा है कि दैट इंक्रीज इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट उस पॉइंट को बी ले लेते ले हैं जिसके कॉरिस्पॉन्डिंग पी वन प्राइस है और क्यू वन क्वांटिटी है इस वक्त टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा दैट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल दैट इज ओ पी वन बी क्यू वन ये जो नया रेक्टेंगल आया है ये हमें नया रेवेन्यू बता रहा है और हमें दिख रहा है कि इसका रेवेन्यू गिर चुका है मतलब कि एक इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू इज डिक्रीजिंग ऐसा क्यों हो रहा है आप सोचें किसी भी नेसेसिटी गुड का पेट्रोल की प्राइस अगर कम करेंगे तो ओवर रेवेन्यू के साथ क्या होगा दैट विल फॉल और उसके बाईस वर्षा अगर हम एक इनअलास्टिक डिमांड के में प्राइस को बढ़ाएं तो, तो रेवेन्यू विल इंक्रीज मतलब जब भी एक गुड की प्राइस इनअलास्टिक डिमांड होगी प्राइस बढ़ाने से रेवेन्यू बढ़ेगा और प्राइस कम करने से रेवेन्यू कम होगा